भक्त शिरोमणि माता कर्मा बाई का जन्म कालवा गांव के अक्षत्रिय जाट जमींदार जीवनराम डूडी के घर माता रतनी देवी की कोख से 20 अगस्त 1615 को हुआ। उनके जन्म पर मूसलाधार बारिश हुई जिससे गांव में खुशियां फैल गई थी। कर्मा बाई पैदा होते ही हंसी थी जिसे एक चमत्कार माना गया। तब एक बूढ़ी दाई ने कहा कि यह बालिका ईश्वर का अवतार है। कर्मा बाई के पिता चौधरी जीवनराम डूडी ईश्वर में बहुत आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। उनका नित नियम था कि जब तक भगवान कृष्ण की मूर्ति को जलपान नहीं कराते तब तक स्वयं भी जलपान नहीं ग्रहण करते थे। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। बड़ी होने पे माता कर्मा बाई का विवाह सोहू गोत्र में गांव मोरेड़ नागौर में कर दिया गया, परंतु थोड़े ही समय में माताजी विधवा हो गई और आजीवन बाल विधवा के रूप में ही अपना जीवन भगवान की भक्ति में व्यतीत किया। वहीं मनसुख रणवा के अनुसार माता कर्मा बाई का विवाह छोटी उम्र में ही अलवर जिले के गढ़ी मोमोड़ गांव में साहू गोत्र के लिखमाराम के साथ हुआ था। कुछ ही समय बाद पति की मृत्यु हो गई। उस समय कर्मा बाई कालवा में ही थी। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वह ससुराल गढ़ी मोमोड़ चली गई। वह घर और खेत का सारा काम करती थी तथा अतिथियों की खूब आव भगत करती थी। इसी बात से कालवा ही नहीं आस पड़ोस के गांव में उनकी प्रशंसा होने लगी। इनके पिता भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनको भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण किया करते थे। एक दिन इनके पिता तीर्थ यात्रा पर गए और भगवान की पूजा अर्चना व भोग लगाने की जिम्मेदारी बाई कर्मा को सौंप गए। दूसरे दिन भोली भाली कर्मा ने खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाया तो भगवान ने वो भोग ग्रहण नहीं किया। तब कर्मा बाई ने सोचा कि शायद पर्दा ना होने के कारण भगवान भोग नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने अपना पर्दा किया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया ताकि भगवान भोग लगा सके। फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकला। माता कर्मा बाई ने भगवान से कहा, भगवान आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। कर्मा बाई उस दिन भूखी ही रह गई। उन्होंने दूसरे दिन फिर खिचड़ी बनाई और पर्दा करके भगवान को फिर भोग लगाया। दूसरे दिन भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी खिचड़ी नहीं खाऊंगी और ना ही भोग लगाऊंगी। इसी तरह भूखी रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इस तरह करते करते 3 दिन बीत गए। इस बात के कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन एक कथा के अनुसार तीसरे दिन भगवान ने कर्मा जी को स्वप्न में कहा, उठ जल्दी से खिचड़ी बना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कर्मा बाई हड़बड़ाकर उठी और जल्दी से खिचड़ी पकाई और पर्दा करके भगवान को भोग लगाया। अब वह नित्य प्रति भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने लगी और भगवान भोजन करने लगे। यह कर्मा बाई के भक्ति की चरम सीमा थी। कर्मा बाई के घर भगवान द्वारा स्वयं आकर भोजन करने की बात दिन दूनी रात चौगुनी चारों ओर फैल गई। काफी दिनों बाद जब कर्मा बाई के पिता तीर्थ यात्रा पूरी करके वापिस लौटे तो उन्हें सुनकर आश्चर्य हुआ कि प्रभु रोज कर्मा बाई की खिचड़ी खाने आते हैं। वह भी अपनी आंखों से भगवान के दर्शन कर धन्य हुए। जगन्नाथपुरी में भगवान को माता कर्मा का भोग। इस तरह कर्मा बाई के प्रेम में बंधे भगवान जगन्नाथ को भी प्रतिदिन सुबह खिचड़ी खाने जाना पड़ता था। अतः प्रभु जगन्नाथ के पंडितों ने इस समस्या के समाधान के लिए राजभोग से पहले कर्मा बाई के नाम से खिचड़े का भोग प्रतिदिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में लगाने लगे ताकि भगवान को ना जाना पड़े। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में कर्मा बाई की प्रीत का यह ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है। जहां भगवान के मंदिर में कर्मा बाई का भी मंदिर है और उसके खिचड़े का भोग प्रतिदिन भगवान को लगता है। कर्मा बाई की भक्ति का परिणाम है कि आज भी राजस्थान में उनकी वात्सल्य भक्ति के किस्से लोगों की जुबान पर है। इस तरह कर्मा बाई अपनी अनूठी वात्सल्य भक्ति के कारण इस संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर 1634 में एक दिन परमात्मा में विलीन हो गई। आनंदपुर यानी कालवा गांव में आज भी उनका मंदिर है और दूर दूर से भक्त उनकी पूजा करने आते हैं।
तथा माता कर्मा देवी का हर साल मेला भी लगता है। गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।